न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण के साथ शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद ने अब कमर कस ली है। करीब 9.5 करोड़ की लागत से होने वाले 6 सड़क मार्गों के निर्माण को लेकर जहां टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो वहीं प्रमुख चौराहों को मॉडल रूप देने के लिए भी कवायद शुरू हो गई है। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की माने तो शहर में चाहे चौराहों पर रेड लाइट चालू कराने की बात हो या फिर वाहनों की पार्किंग का सवाल हो, इनके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं और रेवाड़ी को आधुनिक शहर बनाने की दिशा में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग वार्डों में भी विकास कार्यों को लेकर 25 टेंडर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे कुर्सी पर बैठकर काम करने वालों में से नहीं हैं। जिन भी वार्डों की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उन सभी वार्डों में वे स्वयं जाकर निरीक्षण करके लोगों को आ रही दिक्कतों से जल्द निजात दिलाई जाएगी। और क्या कुछ कहा पूनम यादव ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जो विकास कार्य बंद पड़े हैं रेवाड़ी शहर के अंदर, अभी क्या कुछ कार्य योजना है सड़कों को लेकर, जैसा पता चला है कि कई सड़कों का निर्माण कराया जाना? हाँ जी, अभी हमारे नगर परिषद ने 9,45,35,000 के टेंडर लगाए हैं, जिसमें एक हमने 7 टेंडर लगाए हैं। एक टेंडर राम सिंहपुरा की 4 दीवारी का निर्माण करने के लिए लगाया है, जो डंपिंग स्टेशन है आपको पता ही है, वहां की 4 दीवारी कराई जाएगी और उसमें 6 सड़क निर्माण होंगी, जैसे एक महाराणा प्रताप चौक से लेकर भाड़ावास रोड तक, दूसरी ब्रास मार्केट की, तीसरी सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड पार्ट 2 और तीसरा अपना डबल फाटक से रामतुला पार्क, चौथी अग्रसेन चौक से लेकर अपने रेलवे रोड नई मार्केट है जो वहाँ तक, और एक अपनी ये सन सिटी जो है, सन सिटी से बाईपास होते हुए टीपी स्कीम के वहाँ पर आज तक रोड बनेगी। तो हमारी ये 6 सड़क निर्माण ये होंगी और एक अपनी 4 दीवारी। ये तो सड़कों की योजना बताई आपने, इसके अलावा भी जैसा बता रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा जो मॉडल बाजारों को बनाने की एक योजना है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, हम अपने शहर को एक नए मॉडल के रूप में अपना नए बाजार में एक मॉडल पेश करना चाहते हैं। उसके लिए क्या है कि नाली प्लस फुटपाथ के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे वो उस पर एस्टीमेट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं और जल्दी ही हम टेंडर लगाएंगे और बीच में डिवाइडर की योजना मतलब लगाए जाएंगे और ऊपर स्ट्रीट लाइट वगैरह, जिससे एक शहर को एक नया मॉडल पेश कर सकें। और वैसे हमने और वार्डों में भी जैसे 25 टेंडर लगाए हैं काम के लिए, तो आपको बहुत जल्दी ही अपने शहर में चारों तरफ विकास ही विकास नजर आएगा और आगे भी अच्छे और भी टेंडर लगाए जाएंगे। तो मतलब नगरीकरण की दिशा में जो एक ये पहल की जा रही है नगर परिषद की तरफ से, काफी दिनों से काम रुके पड़े थे। एक दो योजनाएं जो अभी मुख्य तौर पर देखी जा रही है, एक तो जो सड़कों पर चौराहों पर रेड लाइट की बात करें, एक पार्किंग की बात करें, तो क्या उस दिशा में भी कोई नई कार्य योजना रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, पार्किंग के लिए भी हमने अभी योजना तैयार कर रखी है, जल्दी ही लोगों को इससे भी मतलब पार्किंग करने के लिए जगह दी जाएगी, जो उनको असुविधा हो रही है उसको भी दूर किया जाएगा। सब तरह ध्यान दिया जा रहा है विकास के बारे में, तो और सौंदर्यीकरण के बारे में भी, जो भी रेड लाइट है उसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है, तो जल्दी सभी रेड लाइट को दुरुस्त करा के ना उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। अभी आपने बताया कि जिस तरह रोडों की बात की बाजार की बात की, लेकिन आपने बताया कि जिस तरह जो वार्ड है उनमें भी विकास कार्य शुरू करवा दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, हमने 25 टेंडर लगा दिए वार्डों में और बाकी भी मतलब क्या कहते हैं लगने बाकी हैं, वो लग रहे हैं, उनके एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं और जल्दी ही लगा दिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह आपने जिक्र किया कि सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, शहर का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, तो उस पर शहरवासियों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई है कि उनके वार्डों में भी जाकर के निरीक्षण करें, क्या इस तरह से जा पाएंगे आप ताकि लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना जाए और उस पर कुछ नया काम किया जाए? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, वार्ड जाकर के लोगों की समस्या को सुनेंगे और जो भी उनकी दिक्कतें होंगी उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। अपनी तरफ से जो भी अच्छे से अच्छा प्रयत्न होगा करेंगे और अपने शहर को आज बहुत मतलब विकास की ओर जितना अपनी तरफ से कोशिश होगी, एफर्ट्स होंगे, करेंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा विकास कराएंगे। तो मैडम माना जाए ये जो टेंडर है ये कब तक लग जाएंगे, ये जो आपने बताया कब तक शुरू हो पाएगा? ये लग ही रहे हैं टेंडर, ये तो अब आपके लग ही गए हैं और बाकी
जो है कि वार्डों में भी लगी रहे हैं, जैसे और एस्टीमेट इनके तैयार हो ही रहे हैं, वार्डों में भी जितने 25 तो लगी गए हैं और बाकी एस्टीमेट डेली बनाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। जैसे तो ये माना जाए कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जो शहर में नई सड़कें हमें देखने को मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, जरूर मिलेगी। हम आपकी हर उस पे खरे उतरेंगे, आप देखते रहिए अभी शहर को कैसे बदलते हैं। थैंक यू।